भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच को लेकर इन दिनों चर्चाएं काफी तेज है और इंडिया टीम अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल रही है। इस विश्व कप के बाद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। द्रविड़ के बाद कौन बनेगा भारतीय टीम का कोच, इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे क्लास लगाई जा रही है कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के अगले कोच बन सकते हैं। लेकिन इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है जिसे सभी को चौंका के रख दिया है। बताया गया कि गंभीर से पहले BVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच रह सकते हैं। बता दें कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस दौरे पर टीम इंडिया के साथ नेशनल क्रिकेट अकादमी के चीफ BVS लक्ष्मण भी जा सकते हैं। बता दें कि अगर गंभीर टीम इंडिया के अगले कोच बनते हैं तो वो जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार बता दें कि संभावना है कि BVS लक्ष्मण NCA के कुछ कोच के साथ जिम्बाब्वे जा सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल द्रविड़ और पहली टीम के कोच ने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रेक लिया, तब लक्ष्मण और उनकी टीम हमेशा आगे आई। लेकिन गौतम गंभीर की बात करें तो अगर वह मेन इन ब्लू के हेड कोच बनते हैं तो वह श्रीलंका दौरे से टीम इंडिया के साथ जुड़ सकेंगे। जिम्बाब्वे दौरे के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी।